जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप के लिए घोषित की घटिया टीम, तो भड़क उठे रोहित शर्मा ने। धवन, संजू सैमसन, ईशान किशन समेत इन 5 खिलाड़ियों को वापसी करवाने की कर डाली मांग। कहा कुछ ऐसा कि सुनने के बाद अब पूरा भारत देश कर रहा है टी20 वर्ल्ड कप की पूरी टीम बदलने की मांग। तो ऐसे में दोस्तों आखिरकार रोहित शर्मा ने कौन सा वो बवाल काटा है जिसके बाद अब टी20 विश्व कप की टीम बदली जाएगी, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है एक अच्छा कप्तान। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दोस्तों टीम चुनने के लिए 12 सितंबर को चयन समिति की बैठक हुई थी, जहां पर चयनकर्ताओं ने अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई टीम का चयन किया। और यहां पर जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की तो वापसी हो गई, और वहीं दोस्तों रोहित शर्मा को कप्तान भी बना दिया और केएल राहुल को उपकप्तान भी बना दिया। लेकिन यहां पर कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनकी टीम में वापसी नहीं हुई, और दोस्तों उनके नाम पहले से ही टी20 विश्व कप के लिए चर्चा का विषय बने हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि एशिया कप में भारत का प्रदर्शन निराशजनक रहा है, और हो सकता है कि टी20 विश्व कप में इन खिलाड़ियों को बीसीसीआई की चयन समिति जरूर मौका देने पर गौर कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। यहां पर बीसीसीआई की चयन समिति ने उन खिलाड़ियों को तो शामिल किया नहीं, बल्कि रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों से भरी टीम बना डाली, जो कि टी20 में इतना ज्यादा कुछ खास प्रभाव अपना छोड़ नहीं पाते हैं। तो वही दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो बीसीसीआई ने टीम चुनी, इसके बाद जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला वो तो निराश नजर आए, और साथ में हमारी टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा चयन समिति के सेलेक्टर्स पर भड़कते हुए नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि टी20 विश्व कप के लिए हमारी ऐसी टीम होगी जो कि ऑस्ट्रेलिया जाएगी। मुझे इस टीम पर बिल्कुल भी भरोसा लग नहीं रहा है कि हम इस टीम के साथ विश्व कप के मैचेस को जीत पाएंगे। हालांकि अभी हमने फिलहाल में ही देखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी टीमें तक इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और वहीं दूसरे छोर पर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि न्यूजीलैंड की टीम हमें हराने से चूकेगी नहीं। तो वहीं दोस्तों आगे रोहित शर्मा ने बात करते हुए बोला कि हम पूरी साल टी20 इसलिए खेलते हैं कि टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन कर सके, और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर दिया है उन्होंने बायलेटरल सीरीज में तो अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया जाकर हम उन पर कैसे भरोसा जता सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आगे रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे टीम इंडिया में इन 5 से 6 खिलाड़ियों की वापसी चाहिए, और अगर ये टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी तो शायद हमारे जीतने के आसार ना के बराबर होंगे। तो वहीं दोस्तों आगे रोहित शर्मा ने जिन खिलाड़ियों के नाम बताए जिन्हें वो टीम में चाहते हैं, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि रवि बिश्नोई को मुख्य टीम में रखे जाने चाहिए, शिखर धवन जिनकी वापसी रोहित शर्मा चाहते हैं। तो वहीं अगला नाम जो रोहित शर्मा ने बताया वो था संजू सैमसन का, और वहीं अगला नाम जो रोहित शर्मा ने कहा कि टीम इंडिया में शामिल होना चाहिए ऋषभ पंत की जगह पर, वो है ईशान किशन। तो वहीं मोहम्मद शमी को मुख्य टीम में रखने का फैसला रोहित शर्मा ने किया है, और रवि बिश्नोई, दीपक चहर को भी वो टीम में अपनी ओर से खिलाना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि जो टीम का ऐलान किया गया है उसमें आप सभी को भारत की तरफ से रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सूर्य कुमार यादव, रविचंद्रन अश्विन, हर्षल पटेल, दीपक हुडा, युजवेंद्र चहल, अर्षदीप सिंह दिखाई देने वाले हैं, और स्टैंड बाय प्लेयर्स में मोहम्मद शमी, सुरेश अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहार हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने बड़े बड़े खिलाड़ियों की वापसी के लिए कहा है। बाकी अब आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा की ये बात सेलेक्टर्स को माननी चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।